जामिया मिलिया इस्माइलिया के पास फायरिंग की घटना सामने आई। दरअसल जामिया के गेट नंबर 5 के पास गोलीबारी हुई, जहां जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फायरिंग होने की पुष्टि की है। वहीं कमेटी के सदस्यों ने बताया है कि गेट नंबर 5 के पास 2 अज्ञात लोगों ने गोली चलाई। वहीं गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। डीसीपी ने इस घटना के बारे में कहा है कि घटना की जांच की जा रही है। वहीं जामिया मिलिया इस्माइलिया के छात्रों ने भी गोली चलने की पुष्टि की। गोली चलने की शिकायत मिलने के बाद जामिया नगर के एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। पिछले 2 दिनों में बता दें कि ये तीसरी घटना सामने आई है, जहां इससे पहले 30 जनवरी को भी जामिया के बाहर फायरिंग हुई थी। इसमें एक छात्र घायल हो गया था। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है और उस स्टेटमेंट के बेस पे 307 और 27 आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर अभी हो रहा है। एफआईआर नंबर भी उसका बता दिया गया है और उसके बाद वहाँ सुनिएगा जो सीसीटीवी फुटेज है वो अभी टीम जा रही है, जो 5 और 7 नंबर गेट पे है वहाँ इन्वेस्टिगेट, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी लेंगे और उसमें फर्दर भी जो भी डिटेल्स आएंगी वो उसमें इंक्लूड करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ कर रहे हैं हम। लीगली फुटेज आने के बाद जो भी डिटेल्स आएंगे 100% गिरफ्तार करेंगे। तो कल रात की तस्वीरें हैं और पुलिस का हालांकि यहां पर साफ तौर पर कहना है कि जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस गोलीबारी के बीच लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 4 से 5 दिन के भीतर ये तीसरी घटना है जब वहां पर जामिया के गेट नंबर 5 पर फायरिंग की घटना सामने आई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, तीसरी घटना फायरिंग की सामने आई है और अब लोगों का जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, विरोध यहाँ पर किया गया और जल्द से जल्द न्याय की मांग की गई है और कहा है कि सख्त एक्शन यहाँ पर लिया जाए। अभी कुछ और अपडेट इस पर मिल पाया हो आपको? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो इलाके के डीसीपी है कुमार ज्ञानेश वो मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक उन्हें इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि वहां पे रियल में फायरिंग हुई है, क्योंकि कुछ चश्मदीद जो है वो बता रहे हैं कि स्कूटी पे सवार 2 व्यक्ति आए थे, जबकि कुछ चश्मदीद ऑटो की बात कर रहे हैं कि ऑटो पे बैठ के ये सवार आए थे। दूसरी बात की खाली कारतूस वहां से बरामद नहीं हुए, हालांकि मामले को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज कर ली है। धारा 307 के अंतर्गत जो है एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की पुलिस उन्हीं चश्मदीदों के आधार पे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से फायरिंग की घटना सामने आई है, लोग नाराज ना हो, पुलिस जांच कर रही है। हालांकि केस जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अभी भी इसे लेके पुलिस में सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार फायरिंग हुई है या नहीं हुई है। तो पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है, हालांकि कई इलाकों की यहाँ पे जांच की गई है और कुछ चश्मदीद जो है वो बता रहे हैं कि लाल स्कूटी पे सवार होके 2 लोग आए थे, जैसा कि मैं बता रहा था। और कुछ जो है उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद पुलिस जब जांच करती है तो कुछ लोग कहते हैं कि ऑटो पे बैठ के आए थे लोग। तो जाहिर तौर पे यही एक सबसे बड़ा संदेह है। और जिस तरह से खुद डीसीपी कुमार ज्ञानेश का बयान आया कि कोई भी खाली कारतूस वहां से बरामद नहीं हुआ, और से अगर जामिया की बात करें 5 और 7 के बीच लगभग गेट नंबर 7 के पास में 11:30 बजे के आसपास जो है ये फायरिंग देखने को मिली, और जिसके बाद से छात्र जो है जो प्रदर्शन कर रहे थे वो खासे नाराज है। और कहीं ना कहीं अगर फायरिंग हुई है तो दिल्ली पुलिस पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस लोगों को सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं करवा पा रही। हालांकि चुनाव आयोग ने जो इलाके के डीसीपी हैं जिनमें बिस्वाल उन्हें हटा दिया था, उनकी जगह कल रात को ही डीसीपी कुमार ज्ञानेश को चार्ज दिया था। जी लेकिन यहाँ पर ये बताइए अमित, क्योंकि तीसरा ऐसा ये मामला सामने आया है और लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है इन सब में मूक दर्शक बनकर रह गई है और लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सियासत भी यहाँ पर तेज है, तो क्या समझा जाए कि
कहीं ना कहीं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और आपने भी जिस तरह से कहा कि चुनाव आयोग ने भी यहां पर संज्ञान लिया है और स्थिति को यहां पर समझा है, तो ऐसे में क्या यहां पर समझा जाए कि अब इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है? देखिए, जिस तरह से खासतौर पे, हालांकि हर एक के अपने अपने बयान है, तो जाहिर तौर पे दिल्ली में चुनाव है, हर कोई इस चुनाव को भुनाना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की चार दिन में 3 फायरिंग, अगर पहली बात की जाए तो जिस तरह से शाहीन बाग में पिस्टल चलाई गई और उसके बाद एक शख्स घायल हुआ, उसे एडमिट कराया गया, उसके बाद फिर वहीं पे दूसरी घटना होती है और अब ये यहाँ पे तीसरी घटना हुई है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और अभी भी इस बात पे सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार फायरिंग हुई तो कैसे हुई। तो जाहिर तौर पे चुनावी माहौल है और ऐसे में हर कोई एक दूसरे पे वार कर रहा है। CAA और NPR को लेके लगातार जो है पिछले कई दिनों से, लेकिन अमित कहीं ना कहीं फिलहाल स्थिति को यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि प्रदर्शन है और एक तरफ इस तरह से फायरिंग की घटनाएं, तो ऐसे में स्थिति कभी भी यहाँ पर अलग रूप ले सकती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।